बार तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, क्या बताऊं मैं आपको। जब से नया साल शुरू है इस बार कोई शादी का कार्ड ही नहीं है। और गाइस वेलकम टू दी चैनल ऑफ टेक्निकल नंदा जी। सो फाइनली आज मैं फिर से आ गई हूँ ब्लॉग में, क्योंकि जो मेरा भाई है वो अभी हल्द्वानी आया हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी मन था और मैं ऐसी भी यही होता है कि कहीं बाहर निकलना नहीं हो पाता है। तो ये है मेरा भाई जो ड्राइविंग कर रहा है अभी। हेलो, आज मैं इसको ज़्यादा कैमरे में नहीं आने दूंगी, क्योंकि आज मेरा दिन है। क्योंकि जब मैं कैमरे में आती हूँ तो सिर्फ मेरा ही डेज होता है और किसी का नहीं। नहीं, वैसे इसको भी मैं थोड़ा प्रेफरेंस दे दूंगी, क्योंकि चैनल तो इसी का ही है। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने इलाके में। पुराना इलाका एज यू नो डैट कि पहले हम अपने BSNL कॉलोनी में रहते थे, तो हमको ना वहीं की शॉप्स की आदत है। कोई भी चीज़ ख़त्म वगैरह होती है तो हम वहीं से ही लेते हैं, कहीं और जब हमको ना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ हमारे घर के नियर अबाउट और कोई वैसी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन एक वो होता है ना, सेटिस्फेक्शन होता है ना मन का, नहीं नहीं यहीं से लेते हैं यार, यहीं अच्छा लगेगा। तो हम लोग ना वहीं जाते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं फिर। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. So guys, हम अपने पुराने इलाके में आ गए, अपने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में। यहाँ आते ही ना एक अलग ही मजा आता है। पता है हमारा पूरा बचपन यहीं बीता है, पूरा बचपन। और जब हम लोगों की ग्रेजुएशन हुई तो उसके बाद जॉब जब हम किए तब भी हम यहीं रहे। अब अभी हमको अपने नए घर में आए हुए 2-3 साल ही हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। तो एज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा कितना यहाँ से अटैचमेंट होगा। जब मैं 5 to 6 years की थी, और आगे हम अपने सुभाष नगर, हमें यहीं आना है, एक काम है हमारा। तो मिलते हैं काम निपटाने के बाद। गाइस, हमारा जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो काम हो गया। जो मुझे ज़रूरी सामान लेना था मैंने वो ले लिया है। सो मैं जब भी बाहर आती हूँ ना, तो मेरा मन करता है ना कि भाई की गाड़ी में थोड़ा काठगोदाम तक घूमा जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं काठगोदाम। सो आपको दिखाते हैं हम जहाँ जहाँ जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा हम दूर नहीं जा रहे, खाली ऐसे ही जा रहे हैं थोड़ा काठगोदाम तक, फिर वहाँ से हम फिर घर चले जाएंगे। बट ये कि थोड़ा घूमना हो जाएगा। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं काठगोदाम की ओर। हमारा सारा काम हो गया है। सो मौसम भी आज अच्छा ही है। वैसे तो मौसम विभाग ने बोला था कि कल काले बादल रहेंगे और परसों बारिश हो सकती है। होप सो, देखो क्या होता है। वैसे तो आज मौसम बता ही रहा है, थोड़ा गड़बड़ सही है, कोहरा है, लेकिन फिर भी अच्छा है, गर्मी बहुत है। इस बार तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, क्या बताऊँ मैं आपको। जब से नया साल शुरू है इस बार कोई शादी का कार्ड ही नहीं है। और जहाँ हमारे घर के आस पास है इतने बैंक्वेट हॉल है और इतनी वहाँ शादियाँ हो रही हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। रात भर इतनी खाने की खुशबू फैलती है जो मेरा दिमाग ख़राब होता है खुशबू से, क्या बताऊँ आपको। और इतनी शादियाँ, मुझे तो लगता है इस बार बम्पर ही शादियाँ हो रही हैं। होप सो हमको भी कहीं से इन्विटेशन आए तो हम लोग भी जाएं, देखो क्या होता है। गाइस, अभी हम पेट्रोल पंप पे हैं, आपको जैसे पीछे से दिख ही रहा होगा, है ना पीछे का। तो अभी हम तेल भराने आए थे, अब हमने तेल भरा दिया है। सो क्योंकि कल यू नो भाई बेसिकली यहाँ पे वोटिंग के लिए ही आया है, तो कल मैं, मम्मी और भाई, हम तीनों ही वोट डालने के लिए जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सही इंसान को वोट देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जाएँ और वोट करें। और कल मम्मी को भी लेके हम जाएंगे, तो इसलिए आज गाड़ी में थोड़ा तेल भरा रहे हैं। वैसे तो मम्मी कहीं कभी भी कहीं नहीं जाते, आपने जनरली मम्मी को देखा ही नहीं होगा, है ना। तो अब हम कल मम्मी के साथ ब्लॉक में आपको मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए आपको टू बी कंटिन्यू, हम कल मिलते हैं आपसे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस, आई होप आपको आज का ब्रदर एंड सिस्टर वाला इवनिंग ड्राइविंग ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डैडी टेक्निकल अंदाजी ब्लॉग्स। और कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बाय बाय।